कल ही यह मामला प्रकाश में आया है और सरकार इतना जल्दी 24 घंटा के अंदर में क्लीन चिट दे देना कहीं ना कहीं एक शक को उत्पन्न करता है। जैसा आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम लोग नारा देते हैं, हम लोग दुर्गा काली और सरस्वती की पूजा करते हैं, और इस तरीके का जघन्य अपराध बिहार में और वो भी राजधानी पटना में दुर्भाग्यपूर्ण है। साइकिल और लैपटॉप देने का बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और एक तरफ इस तरीके से दुराचार हो रहा है एक बेटी के साथ, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मौन रहेंगे? जिस राज्य के मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो, लगातार उन्हें महिलाओं का समर्थन भी मिलता हो वोट के मामले में, उसी राज्य में 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, पूरा बिहार इससे शर्मसार हुआ था, और ऐसा ही एक नया वाक्य सामने आया है। इस बार मामला पटना के गाय घाट के बालिका रक्षा गृह का है, जिसमें एक 19 साल की लड़की है जिसे हमने बात भी किया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, कि वो दावा कर रही है कि उसके साथ कई बार वहाँ पर यौनाचार किया गया, और सिर्फ उसी के साथ नहीं, करीब 250 की संख्या में वहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं और उन सभी के साथ वैसा ही दुष्कर्म किया जाता है। बेहद संगीन आरोप उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कल ये मामला उठा और 24 घंटे की जांच में ही सरकार ने प्रशासन ने तमाम जो लोग हैं, खासकर वंदना गुप्ता का नाम काफ़ी तेजी से उछल रहा है, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। लोजपा का इस पर क्या रुख होगा? लोजपा रामविलास की बात कर रहा हूँ, चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है चंदन जी? देखिए, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी ट्वीट किया है और यह पूर्व में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो चुका है और देश में ही नहीं विदेश में भी बिहार की बहुत बदनामी हो चुकी है। कल ही यह मामला प्रकाश में आया है और सरकार इतना जल्दी 24 घंटा के अंदर में क्लीन चिट दे देना कहीं ना कहीं एक शक को उत्पन्न करता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें न्यायिक जांच की मांग करती है। देखिए, बिहार में 13 करोड़ आवाम के अभिभावक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कोप भवन से बाहर आना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए, चूंकि बिहार के वह गृह मंत्री भी हैं, सामने आकर इसमें न्यायिक जांच। कैसी न्यायिक जांच? जांच तो हो गई 24 घंटे में। यह देखिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम को बिहार के शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हम उसी प्रशासन और शासन की बात कर रहे हैं जो शराबबंदी के नाम पर हर एक पंचायत में दारू की भट्टी खोलवा के शराब की कालाबाजारी करा रहा है। इतना जल्दी आप कर लिए, स्कॉटलैंड यार्ड हो गए हैं क्या आप, कि तुरंत आरोप लगाया, तुरंत आप पूरा उसका कुंडली निकाल के और ये है नहीं, ये तो गलत है, ये बहुत, अरे जांच आप कीजिए, न्यायिक जांच कीजिए, जुडिशियली जांच आप कीजिए इसमें। और जो दूध का दूध और पानी का पानी है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं कि इसमें यही हैं, लेकिन पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बिहार की बहुत बदनामी हो चुकी है, लोगों को उसमें दोषी भी करार दिया गया था, बिल्कुल। तो इसमें जांच जो है, हम तो सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे कि स्वतः संज्ञान इसको लें, कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, अगर संज्ञान लेती है तो बहुत सफेद पोषों के ऊपर से नकाब हट जाएगा। वो बच्ची ये बात कह रही थी कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, हालांकि वो नहीं बताई कौन कौन से वो बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं वहाँ से लड़कियों का सप्लाई किया जाता है, बहुत तरह की बातें वो कर रही है। देखिए, मामला बहुत संगीन है और दर्दनाक भी है। जैसा आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम लोग नारा देते हैं, हम लोग दुर्गा काली और सरस्वती की पूजा करते हैं, और इस तरीके का जघन्य अपराध बिहार में और वो भी राजधानी पटना में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो के हत्या हो जाती है, तब क्यों ना हम मांग करें न्यायिक जांच की, इसमें क्या गलत है? और मैं आग्रह करूंगा बिहार के तमाम वैसे पॉलिटिकल पार्टी का जो विपक्ष में हैं और समाज के प्रति अपने जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो मांग है न्यायिक जांच की, इसका समर्थन करना चाहिए, चूंकि सरकार पर दबाव पड़े, यह बहुत गंभीर विषय है। अभी तो यह शुरुआती दौर है, जब जांच अगर राज्य सरकार करा देगी तो उदित जी बहुत कलई खुल जाएगी इसमें। अब इसमें ज़्यादा तो हम लोग नहीं बोलेंगे, बस जांच अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सब इनके तरफ से अगर कुछ गलत नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायिक जांच के लिए
आदेश करना चाहिए। अच्छा, वैसे शेल्टर हाउस में तो वैसे ही बच्चियाँ जाती हैं जो अनाथ होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, और समाज कल्याण विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चियों का देख रेख करे, जीवन में कैसे वो अच्छा कर सके इस तरह का। और इतना मतलब ख़राब ख़राब वहाँ से खबर आता है, जिस तरीके से वो लड़की बच्ची बोल रही थी, मैं कैमरे पर था लेकिन बहुत पीड़ा हुआ ये सब बात सुनकर। क्या जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और सबसे बड़ा जो सवाल बनता है कि वंदना गुप्ता को बचाया क्यों जा रहा है? वंदना गुप्ता के ऊपर लगातार सब लोग भड़ास निकाल रहे हैं, महिला विकास मंच से भी हमने बात किया, जो उसकी अध्यक्ष हैं, वीना मानवी नाम है उनका, सभी लोग। लेकिन उस और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार के ही किसी सचिव ने 10 दिन पहले वंदना गुप्ता के खिलाफ कंप्लेन किया था कि उन्हें हटाया जाए, और 10 दिन बाद इस तरह का भंडा फूट रहा है, फिर भी 24 घंटे में क्लीन चिट। देखिए, बहुत परतें हैं उदित जी इसमें, और इसको खुलना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं वह न्यायिक जांच से एक्सपोज हो जाएंगे। तो अगर राज्य सरकार इसको नहीं मानती है न्यायिक जांच को, तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। और जितनी जल्दी इसमें जांच करके विभाग ने क्लीन चिट देने का काम किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास और सुशासन का जो दंभ भरते हैं, तो गरीब बच्ची है, माता पिता नहीं हैं, असहाय है, तो हम कहें ना कि हम लोग का तो संस्कार रहा है कि हम लोग माँ दुर्गा काली और सरस्वती का हम लोग पूजा करते हैं, तो बेटियों को साइकिल और लैपटॉप देने का बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, और एक तरफ इस तरीके से दुराचार हो रहा है एक बेटी के साथ, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मौन रहेंगे? हम तो कहते हैं कि अपने कोप भवन से बाहर आइए माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसमें कौन लोग दोषी हैं, किसको बचाया जा रहा है, बिहार की छवि अब धूमिल मत कीजिए। नेशनल न्यूज पे अगर यह सब खबर चलेगा तो जो देश विदेश में जो लोग रहते हैं वह बिहार के बारे में क्या राय बनाएंगे। हम लोग कहते हैं उदित जी कि बिहार में यह वर्तमान सरकार जो है यह विकास के पहिए से उतार चुकी है, और एक शेल्टर होम की बात आज मीडिया के सामने आई है, न जाने कितने शेल्टर होम होंगे जहां ऐसी बहन बेटियां इंतज़ार कर रही होगी किसी मीडिया के इंतज़ार में कि हमारा भी बात कोई रखे। आपके नेता चिराग पासवान जाएंगे मिलने? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग जी एकदम मिलने जाएंगे, और उन्होंने ट्वीट भी किया है। जी, वो ट्वीट हमने देखा, और सोशल मीडिया पर भी डाला है, फेसबुक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ठीक है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच नहीं, ताकि मामला जो है वो सामने आ सके, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, या अगर वो आरोपी नहीं है, मतलब वो दोषी नहीं है, तो फिर ये मामला का जो भी है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।